नमस्कार नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की है एक और ताज़ा खबर। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका के पिता ने 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देने की सूचना आई। लड़की के पिता बबलू प्रजापति ने बताया कि वह सुबह अपनी पुत्री के साथ खेत पर आया तथा खेत के पास में नदी होने के कारण वह कपड़े धोने के लिए भी लाया था तथा घर में बंधे मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए कुल्हाड़ी भी लाया था। कुल्हाड़ी पुत्री के हाथ में थी। जैसे ही बबलू अपनी पुत्री के साथ खेत के पास पहुंचा, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे लगभग 8 आदमी एवं 2 महिलाओं ने दोनों पर हमला बोल दिया। बबलू ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन उक्त हमलावरों ने पुत्री के हाथ से कुल्हाड़ी छीन कर उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार व झांसी से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे व घटना की जांच करने में जुट गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से शैलेंद्र धमेनिया की रिपोर्ट। कपड़ा खींचने के लिए आए थे दोनों बच्चियों, जो खेत बगल से है, बटिया बगल से इसके से कपड़ा खींच के हमने कपड़ा खींच ले। खींचने के बाद में हमने दो ढंजल लेडेस तो देख रहे हमने देखने के लिए मतलब पैसा नाम एक लेडेस का नहीं देख पाओ हमने जितना जी हम ये काम करते काम पे ठीक आ गए आएंगे सामने नहीं जी बाहर ठीक के बाद में हमारे समय तीन आदमी आठ आदमी थे दो तो भग गए थे उन्होंने धट्टी बांधे थे उनका चीन नहीं पाओ हमने छः आदमी उनका चीन ला किस वजह से घटना हुई है? ये घटना हुई है साहब, हमारे 5-6 साल सुबह मुझे इतना पैसा उठवा दूँ कि तबीयत खराब हो गई थी सोना दाई भी नहीं पौने मोने खा गए निकल लेते हैं तो मैं देख लेगा गाय मानी चल देते आते सोचा दे मतलब हमने मंगा भी ला लेकर देते नहीं थे गाय मानी देते आते देते नहीं थे आज कल 6 साल हो गए दैनिक पे आज जनों की कौन सी कमेटी बनी कहते चाहे उन्होंने फोन लगा था उस बस तभी जो है कि आ गए साहब चंद पाल के लगा कर आते हैं लगा लो उन्हें थोड़ी भिजवा रहे थे पता है कि देते कपड़ा धो गया। घटना कितनी बजे की है? घटना 7 बजे की बात की है, 7 बज के कछु भी मिनट हो गया हूँ जो हमने ध्यान नहीं दिया हमें कुल्हाड़ी लेते हैं कुल्हाड़ी हम लेते हैं क्या ले ली कुल्हाड़ी पुटज्जा लेते हैं हम ठीक है होते ही के बाद में हमें अभी सुबह कुल्हाड़ी तो हमने छुड़ाई थी बिटिया की सोई हमने गदबल लगाई थे होते से गदबल लगा के सब हमने तो ये दोनों भक्त आपको मारने के लिए आए थे हमें मारने के लिए आए थे बिटिया हमारा हम तो हमने की बिटिया है ये माए ना तो हमने ऐसे भाग जाएगा जो सोच जाके बिटिया है मानना तो हमें नहीं माया जाती हमने यही सोची कि ये बिटिया खाना माए तो हमने दौड़ लगाई हमने हमेशा माए माए बिटिया तो कितनी देर बाद वापसी आया हम सब कम से कम 10-15 मिनट उधर खड़े हैं 10-15 मिनट की बात सब भग गए आए हमने बिटिया तक गई थी तो मूल पटको लोग तो फिर आजल माती की जो है बट बच्चे बनी वहाँ पे पुलिस का सूचना दी थी माते से कही वो आजल माती है उसको मतलब क्या है माती हमारी बिटिया हमारा तो फिर एक आदमी है सुबह बोले बच्चे तो हमारे कुछ भग जाओ और पुलिस हम चाहे हमसे यादी पहुँची पाल के उसके सामने पुलिस का फोन लगाओ फिर गाँव में फोन लगाओ इस घटना जो सामने थे उन लोगों क्या नाम है? नाम है उसका एक का देखो हमने आपको बताया कि एक तस्बरे का नाम है सलीम, मजले का नाम मजीद, हल्के का नाम। आज मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में धोर्रा गांव में एक बच्ची की हत्या की सूचना उसके पिता के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने 7 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि सुबह वो नदी पर कपड़े धोने के लिए अपनी बच्ची के साथ आए हुए थे, कपड़े भी उनके साथ थे, साथ ही साथ कुल्हाड़ी भी लिए हुए थे। उसी दौरान जिन लोगों से उनका झगड़ा था पैसे के लेन देन को लेके, वो महिला पुरुष आए और लड़ाई झगड़े के दौरान बच्ची की हत्या कर दी।
बच्ची की धारदार हथियार से हत्या करी गई है, जिसमें उसके पिता के द्वारा बताया गया है कि जो कुल्हाड़ी वो लिए हुए थे उसी कुल्हाड़ी से बच्ची की हत्या करी है। पुलिस ने घटनास्थल का विजिट कर लिया है, डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ जितना भी क्षेत्र है उसको अभी पुलिस सर्च कर रही है, शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।